हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम ऐसा एशियाई देश के बारे में रोचक जानकारी आपको पेश कर रहे हैं, जहाँ इस देश की एक रेस्टोरेंट में औरत के शरीर पर खाना परोसा जाता है। एक ऐसा देश जहाँ 50,000 से ज्यादा भारतीय लोग इस देश में रहते आ रहे हैं। एक ऐसा देश जहाँ 10 साल तक की उम्र के बच्चे को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। एक ऐसा देश जहाँ हर काम करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीनें और रोबोट की प्रयोग की जाती है। जी हाँ, आज हम अन्य देश के मुकाबले काफी आगे और अलग देश जापान के बारे में रोचक जानकारी आपको पेश कर रहे हैं, जहां काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आप किस गांव, शहर और देश से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों पूर्वी एशिया में स्थित जापान के ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है, जिसे जापानीज लोग जापानीज भाषा में नियोन या निपोन भी कहते हैं, जिसका शब्दिक अर्थ उगते सूरज की भूमि जापान के लिए एक लोकप्रिय पश्चिमी उपनाम है। उत्तर में ओकोस्टक सागर, उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस सागर और ताइवान तक की जापान की भूमि फैला हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है, यामाहा, सोनी, टोयोटा, होंडा जैसी कंपनी जापान की है, जो हमारे देश भारत जापानीज कंपनी के लिए एक बड़ा बाजार है। 2023 तक भारत में रजिस्टर्ड जापानीज कंपनी की कुल संख्या 1440 है। इसके अलावा जापान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5वीं सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, कपड़े, रसायन, टेक्सटाइल जैसे वस्तु शामिल है। दोस्तों जापान में ऐसा भी कानून है जिसके तहत बच्चे को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा इस देश में बच्चे खुद स्कूल की सफाई करते हैं, जहां अपनी कक्षा और स्कूल की सफाई करना उनकी स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा है। ओसोजी नामक परंपरा के हिस्से के रूप में पहली कक्षा के छात्र हर दिन अपने कक्षा को साफ करना, अपने क्लासमेट को दोपहर का भोजन साफ करना और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं। दोस्तों दूसरी आश्चर्य की बात यह है, विद्यालय में छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर कक्षा की सफाई करते हैं। जापान के लोग साफ सफाई के मामले में बहुत जागरूक होते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को दीर्घायु मानी जाती है। जापान के लोग की औसत उम्र 22 वर्ष होती है, जो सभी देश के औसत से अधिक है। दोस्तों जापान के लोग समय के पाबंद होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर करने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, जापान में चलने वाली ट्रेन भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो टिकट की पैसा सबको रिटर्न करना पड़ती है। दोस्तों जापान के सार्वजनिक स्थान पर जोर जोर से बोलना या किसी भी चीज को सूंघना असभ्य माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ दो लोगों का हाथ पकड़ कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माने जाते हैं। जापान के लोग नववर्ष की खुशी में सबसे पहले मंदिर जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। दोस्तों जापान की बुलेट ट्रेन को दुनिया की सबसे तेज ट्रेन माना जाता है, जो 320 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन शिंकानसेन जापान में चली थी। इसके अलावा प्रतिदिन 30 लाख से अधिक लोग यात्रा करने वाली दुनिया के सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन जापान की राजधानी टोक्यो के शिंजुकु ट्रेन स्टेशन है। जापान देश में कुल 30,625 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जहां दुनिया के 50 सबसे बेस्ट स्टेशन में से जापान 46वां का घर है। दोस्तों जापान में अकेलेपन की बीमारी के कारण एक व्यक्ति ने इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए किराए पर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहन, भाई, माता पिता आदि किराए मिल सकता है। दोस्तों हम अक्सर अकेले महसूस करने और रोने के लिए तकिया को अपना साथी बना लेते हैं, लेकिन सोचिए अगर यही तकिया इंसान के शरीर के शेप में हो तो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोगों का अकेलेपन दूर करने के लिए यहाँ महिला और पुरुष की शेप वाली तकिया मिल जाएगी। यही नहीं, पुरुष के शरीर की तरह बनी हुई ये तकिया सुबह होने पर लोगों को जगाती भी है। यह तकिया सुबह सुबह वाइब्रेट होना लगता है। दोस्तों आपको आश्चर्य होगी, जापानी लोग की पहचान मेहनत, सरल जीवन शैली, ईमानदार और अनुशासन के रूप में भी जाना जाता है। और सिर्फ जापान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां जापानी लोग दुनिया के 170 देश में फ्री वीजा यात्रा कर सकते हैं। लेकिन रूस, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस और जॉर्जिया के लिए जापानियों को वीजा की आवेदन करना पड़ता है। दोस्तों मिनट को छोड़कर सेकंड को महत्व देने वाली जापान के नागरिक काम करने में बहुत रुचि रखते हैं। इस देश में 80 से 100 साल तक के जापानी लोग दिन में 8 से 12 घंटे 16 वर्ष उम्र की युवा के जैसे काम करते हुए देख सकते हैं। इसी कारण से इस देश में 96% लोग रोजगार हैं। दोस्तों जापानी लोग की खानपान में अनुशासन की नियम लागू होती है, जहां वो हमेशा मसालेदार भोजन से दूर रहते हैं और रोजाना शारीरिक व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली के कारण यहाँ के नागरिक को मोटापे का खतरा भी नहीं रहती है। आपको ये सुनकर हैरानी ना होना चाहिए, जापान में मोटापा या मोटापे को गैर कानूनी माना जाता है। इसके अलावा जापान में मोटापे के बारे में मोटा बोल यानी कानून भी है। दोस्तों जापान रोबोट के उत्पादन का एक बड़ा खिलाड़ी है, जो दुनिया का 45% से भी ज्यादा ग्लोबल सप्लाई करती है। जापान की हाई लेवल टेक्नोलॉजी के कारण ही नहीं, बल्कि जापानी रोबोट के कल्चर के कारण इस देश में आज के दिन 1.25 लाख लोग कार्यरत है। आपको ये जानकारी भी शेयर करूँ कि जापानी सरकार ने 2025 तक दुनिया में एडवांस रोबोट को सेल करके
70 बिलियन डॉलर कमाई करने की टारगेट की है। 1991 से शुरू हुआ पहला रोबोट एनिमे कॉमिक एस्ट्रोबॉय है, जो तब से आज तक जापान में कई रोबोट थीम निर्माण हो चुके हैं। दोस्तों, जापानीज भाषा जापान की वास्तविक भाषा है, जो देश में अधिकांश लोग प्राथमिक और बोली जाने वाला भाषा है। दुनिया में 125 मिलियन लोग जापानी भाषा बोलते आ रहे हैं। इसके अलावा जापान में स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य बीमा प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है और प्राथमिक शिक्षा भी सरकारी स्कूल में पढ़ने बच्चे के लिए मुफ्त है। दोस्तों, भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 में राजनीतिक संबंध स्थापना हुआ था, जहां एकात्मिक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र होने वाला इस देश के सरकार के रूप में प्रधानमंत्री सत्ते में है। जापान की 103वीं प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो किसादा प्रधानमंत्री है। दोस्तों, क्या आपको पता है जापान के इतिहास में सबसे छोटा प्रधानमंत्रित्व काल 14वें दिन के लिए प्रधानमंत्री रहा था, जो 1945 में प्रिंस नारुहिको हिगासुकुनी का प्रधानमंत्रित्व काल जापान की सबसे छोटा रहा है। दोस्तों, आपके पालतू जानवर को जापान लाना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि जापान एक रेबीज मुक्त राष्ट्र है, जहां के बड़े शहर में पालतू जानवर पालना प्रतिबंध है, जहां जानवर को पालने के लिए नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा जापान में लोगों पर हमला करने वाले जानवर, बंदर, बड़े पंछी, मगरमच्छ और सांप को पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए अनुमति चाहिए। दोस्तों, हमारे देश भारत में पुरानी शिक्षा प्रणाली है, लेकिन जापान की शिक्षा प्रणाली हमारे सोच से बहुत अलग है, जहां के 10 साल तक की उम्र के बच्चे को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। जापानी स्कूल में चौथी या 10 वर्ष की आयु तक की बच्चे को अच्छे संस्कार, चरित्र, शिष्टाचार सिखाया जाता है। दोस्तों, जापान की ये बात सुनकर आपको हैरान हो सकते हैं, जहां जापान की एक रेस्टोरेंट में औरत के शरीर पर खाना परोसा जाता है। जापान की न्यू ताई मोरी रेस्टोरेंट में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर जापान की खास डिश सुशी परोसा जाता है, जहां इस डिश को औरत के बेदन पर रखकर सर्व करके खाया जाता है। दोस्तों, दूसरी आश्चर्य की बात यह है, जापान में आपको ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम मिल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑक्टोपस वैसे तो सी फूड में आता है, जो समुद्री भोजन प्रेमियों को बेहद पसंद आती है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफी अजब है। जिन लोगों को खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद होती है, वो ऑक्टोपस आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, जापान में हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन लगा है, चाहे वो स्नैक्स हो या अंडरगारमेंट। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है, जहां जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चर के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। दोस्तों, अधिकांश देश में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि जापान में काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ा मेहनत का संकेत है। वैसे तो जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारी को दोपहर के 1 बजे से 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती है। इस प्रथा को जापान में इने मुरी कहा जाता है। दोस्तों, जापान में युवतियों में योबा यानी शब्दिक रूप से डबल टूथ कैप का चलन बढ़ रहा है, जिसमें से उनके दांत बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ होंगे तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाता है। इसी अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती जा रही है, और ये बेहद कॉस्टली भी है। दोस्तों, जापान के बारे में बनाई गई ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।